कौन वीडियो में आपको पूरी जानकारी नहीं मिली और आपके मन में कितने सवाल अधूरे होंगे, इस वीडियो में आपके उन्हीं सवालों को पूरा करने की कोशिश करें। इसलिए अगर आप पेपर कप बिजनेस अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर अगर आप पेपर कप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, और अगर फिर भी कोई सवाल अधूरा रह जाता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर कप का ज्यादातर इस्तेमाल चाय, सूप और जूस की दुकानों पे, पार्टी और फंक्शन में, आइसक्रीम इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, रेलवे, होटल्स और भी दूसरे जगहों पे काफी मात्रा में किया जाता है, और इस वजह से आपको पता चलता है कि मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ी हुई है। डिमांड चेक करने के बाद आपको जरूरत होती है एक सर्वे करने की, और सर्वे से आपको ये पता चलता है कि आपके एरिया में किस तरह के पेपर कप की डिमांड सबसे ज्यादा है और मार्केट कंपटीशन कैसा है। पेपर कप का साइज 40 ml से 600 ml तक होता है और आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि किस तरह और किस साइज के कप की डिमांड आपके एरिया में सबसे ज्यादा। एग्जांपल के लिए, जैसे आइसक्रीम इंडस्ट्री में ज्यादातर 40 ml से 300 ml तक कप ज्यादातर यूज होते हैं, और अगर आपके एरिया में आइसक्रीम फैक्ट्री ज्यादा है तो आपको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेपर कप तैयार करने होंगे। ठीक वैसे ही रेस्टोरेंट, होटल की रिक्वायरमेंट अलग होती है। सर्वे के बाद आपको आपके एरिया की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी, और जब आप मशीन का ऑर्डर करेंगे तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से मशीन सप्लायर से मशीन और मशीन का मोल्ड ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें रॉ मटेरियल्स की, तो पेपर कप के लिए प्री कोटेड पेपर सीट की जरूरत होती है। ये अलग अलग जीएसएम में आते हैं और पेपर का प्राइस भी जीएसएम के हिसाब से कम और ज्यादा होता है, और आपको अपने कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से पेपर सीट का स्टॉक अपने पास रखना होगा। अपने इंडिया में पेपर के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, जिसमें आईटीसी, खन्ना, सेंचुरी बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, और इनके डिस्ट्रीब्यूटर आपको हर बड़े शहर में मिल जाएंगे। दोस्तों, पेपर कप के बिजनेस में पेपर कप के लिए दो तरह का पेपर लगता है, पहला जिससे कप तैयार होती है और दूसरा जो कप के बॉटम में लगता है, और आपको ये दोनों तरह के पेपर एक ही सप्लायर के पास मिल जाएंगे। ब्लैंक के लिए जो पेपर लगता है उसका प्राइस 80 से 90 रुपीज पर केजी तक होता है, और वही बॉटम का प्राइस 75 से 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से होता है, जो लोकेशन और सप्लायर के हिसाब से कम और ज्यादा होता है। दोस्तों, अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, पेपर कप की मैन्युफैक्चरिंग 4 प्रोसेस में की जाती है, पहली डिजाइन, दूसरी प्रिंटिंग, तीसरी डाई कटिंग और चौथी पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि मैंने बताया कि पेपर कप की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है पेपर कप के डिजाइन से। पहले हम कस्टमर का डिजाइन तैयार करते हैं, और डिजाइन बनाने के बाद प्रिंटिंग प्लेट तैयार की जाती है, जिसे मशीन रोलर में चिपका के डिजाइन की पेपर कप पे प्रिंटिंग की जाती है। प्लेट को प्रिंटिंग मशीन में चिपका के पी कोटेड पेपर पे मशीन द्वारा डिजाइन की प्रिंटिंग की जाती है। आप यही सीट पे अलग अलग कस्टमर के डिजाइन को प्रिंट करवा सकते हैं, और ये प्रिंटिंग आप चाहें तो अपने आसपास के ऑफसेट प्रिंटर से भी करवा सकते हैं। इससे आपके प्रिंटिंग के सेटअप का सारा खर्चा भी बच जाएगा, और उन्हें इस काम की अच्छी नॉलेज होती है, इसलिए कप की प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और इस काम के लिए ऊपर सीट चार्ज करते हैं। दोस्तों, प्रिंटिंग के बाद प्रिंटेड सीट को डाई कटिंग मशीन के जरिए काट लिया जाता है, और जब सीट कट जाती है तो उसे ब्लैंक कहते हैं, और फिर इन्हीं ब्लैंक का यूज किया जाता है पेपर कप को बनाने के। दोस्तों, डाई पंचिंग मशीन आपको अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ अलग अलग प्राइस में मिल जाएगी, और इस मशीन का प्राइस 2.5 लाख से 9 लाख रुपए तक होता है। दोस्तों, मार्केट में ये मशीन अलग अलग साइज और प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ उपलब्ध है, जैसे 20 इंच x 26 इंच, 22 इंच x 32 इंच, 25 इंच x 37 इंच, 32 इंच x 42 इंच या 42 इंच x 62 इंच, और मार्केट में जो मशीन है वो 1 घंटा में 800 बार पंच करने से लेके 3000 तक पंच कर सकती है। मशीन का प्राइस भी उसके साइज और प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से कम और ज्यादा होता है, इसलिए आप अपने बजट के हिसाब से ये मशीन खरीद सकते हैं। और मशीन में इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगा होता है, जिसके जरिए आप पंच करने की टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि कितने सेकंड के बाद ये मशीन पंच करे। दोस्तों, पंचिंग मशीन से निकले ब्लैंक के जरिए पेपर कप मशीन द्वारा पेपर कप की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों, अगर बात करें प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो नॉर्मल एक पेपर कप की मशीन 1 घंटे में 2000 से 4000 कप प्रोडक्शन करती है, जो मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आप शुरुआत में एक मशीन से शुरू कर आगे और प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए और भी मशीन खरीद सकते हैं। दोस्तों, पेपर कप मशीन से निकले तैयार पेपर कप को आप पैक कर मार्केट में सेल करने के लिए भेज सकते हैं। दोस्तों, पेपर कप बिजनेस के लिए 1 या 2 स्किल्ड ऑपरेटर और 1 टेक्नीशियन की जरूरत होगी, क्योंकि स्किल्ड ऑपरेटर के जरिए आप प्रोडक्ट की क्वालिटी और वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपका स्किल्ड ऑपरेटर अच्छा होगा तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी और भी अच्छी होगी। साथ ही साथ कप में लीकेज और दूसरी प्रॉब्लम भी नहीं, इसलिए आपके पास एक स्किल्ड ऑपरेटर होना जरूरी है, और वहीं टेक्नीशियन ये इंश्योर करेगा कि किसी वजह से आपकी मशीन बंद ना हो और आपका प्रोडक्शन रुके ना। यदि आपके पास स्किल टेक्नीशियन है तो वो जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और आपका प्रोडक्शन स्मूथली रन करेगा, और आपका प्रोडक्शन और प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रहेगा। दोस्तों, प्रोडक्शन के बाद आप पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक पन्नी या कोरोगेटेड बॉक्स का यूज कर सकते हैं कप के पैकेजिंग के लिए, और कोशिश करेंगे प्लास्टिक पन्नी की थिकनेस कम, ताकि आप प्लास्टिक की पन्नी खरीदते वक्त अगर आप पर केजी ज्यादा पन्नी पा सकते, और पन्नी में पैक करने के बाद आप बॉक्स के लिए लो थिकनेस की बॉक्स सिंगल प्लाई का यूज कर सकते हैं, और इसका फायदा ये होगा कि बॉक्स आपको सस्ता मिले और आपकी पैकेजिंग कॉस्ट कम आएगी, और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आपकी कॉस्ट जितनी कम आएगी आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना बढ़ेगा। दोस्तों, पेपर कप बिजनेस में आप जितने भी छोटे छोटे खर्चों में पैसा बचाएंगे और आपका बिजनेस ग्रो होता जाए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। अगर आप 75 ml के कप तैयार करते हैं तो 1 kg मटेरियल में आप 6 से 7 कप तैयार कर सकते हैं, और जिसकी कॉस्ट लगभग 97 रुपीज के आसपास आती है पेपर और बॉटम को मिला, जिसमें पेपर 70% और बॉटम 30% होता है, और इस हिसाब से आपके 1 कप के प्रोडक्शन कॉस्ट 14 पैसे के
आसपास आती है, जो थोड़ा कम और ज्यादा भी हो सकता है रॉ मटेरियल के प्राइस के हिसाब से या दूसरे फैक्टर से, और अदर एक्सपेंस जोड़ने के बाद जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लेबर चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन, पर कप की कॉस्ट 21 से 22 पैसे पर कप हो जाती है, और जिसे आप 5 से 10 पैसे पर कप के प्रॉफिट मार्जिन के साथ आगे बेच सकते हैं मार्केट कॉम्पिटिशन के हिसाब से। और अगर आप एक पेपर कप मशीन के जरिए पर घंटे 1500 कप भी तैयार करते हैं 75 ml के, तो आप 24 घंटे में 36,000 कप तैयार कर सकते हैं और महीने में 26 दिन काम करके 9,36,000 कप तैयार कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट। दोस्तों, आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।